वर्ल्ड चैंपियन नीतू और स्वीटी को मनोहर सरकार का ये बड़ा तोहफा, ग्रुप बी जॉब का ऑफर लेटर और 40 लाख रुपए का कैश का अवार्ड दिया गया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा तोहफा दिया है, तो देखिए पुरस्कार दिया गया है। पहली बार नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेता सम्मानित किए गए हैं। तो महिला विश्व बॉक्सिंग की विजेता है नीतू घनगस और स्वीटी बूरा। तो देखिए दुनिया भर में हरियाणा का नाम चमका रहे हैं तमाम खिलाड़ी। तो सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें साझा की हैं, साथ ही कहा है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। तो दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ की है। मित्रों, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि खेलों में हरियाणा देश में आगे है, दुनिया में भी आगे है, और हर खेल में हमारी जो भागीदारी है वो पर्याप्त संख्या में होती है, और खास करके जब जीत करके आते हैं, विनर मेडल लेकर के आते हैं, तो उसमें भी कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं 50% भागीदारी रहती है। आज मुझे खुशी है कि बॉक्सिंग के ये जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हमारी दो बेटियाँ नीतू घनगस और स्वीटी बूरा दोनों ही अपने अपने वेट कैटेगरी में और ये जीत करके आई हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूं, इनके परिवार के लोगों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने भी इनके इस लेवल को यहां तक लाने में सहयोग किया है, उन सब की मैं सराहना करता हूं। उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये बात हमें ध्यान में आई थी कि नॉन ओलंपिक में भी वेट कैटेगरी के नाते से कुछ जो अंतर चल रहे थे उसमें हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रह ना जाएं, रुक ना जाएं। हमने स्पेशल पॉलिसी बना करके नॉन ओलंपिक में भी इस वेट की कैटेगरी को लाभ मिले, इस नाते से ये पहली खिलाड़ी हैं दोनों जिनको 40-40 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोनों को हमने जॉब ऑफर लेटर भी दिए हैं और इन ये चूंकि पहले से जॉब कर रही हैं। तो जगदीश सिंह बॉक्सिंग कोच जुड़ गए हैं हमारे साथ। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जगदीश जी। दुनिया भर के साथ साथ प्रदेश में भी हरियाणा का नाम चमका रहे हैं अब खिलाड़ी। बिल्कुल जी, हमारे खिलाड़ी दमदार हैं, उनके मुक्के में दम है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों की तो अब सीएम मनोहर लाल के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। बिल्कुल, सबको पता है कि पूरे देश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है, और खास करके हमारी हरियाणा की बेटियों ने, चाहे वो कुश्ती हो चाहे मुक्केबाजी हो, हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है। अभी भी जो हिंदुस्तान की टीम जो विश्व चैंपियनशिप में जिसमें भाग लिया था उसमें देश की 12 खिलाड़ी थी, उनमें 12 में से हमारी 8 बेटियां हरियाणा की थी, और मुझे इस बात का फख्र है कि 8 में से 5 मेरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की थी, और हमारी दो बेटियों ने 4 पदक आए हैं हिंदुस्तान में, उनमें 50% दो गोल्ड मेडल नीतू और स्वीटी के हमारे हरियाणा के हैं। ये हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए फख्र की बात। बिल्कुल, एक फख्र की बात तो यहाँ पर है ही, और बेहतर प्रदर्शन भी दोनों ही खिलाड़ियों ने दिखाया है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप नीतू और विजेंद्र दोनों की ही कोच रही हैं, क्या कुछ सफर रहा, क्या कुछ जो आपने जो चीजें सिखाई उनको? ये नीतू विजेंद्र का जब पदक आया था 2008 में ओलंपिक में, उन्हीं को देख के मुक्केबाजी के प्रति प्रेरित हुई, और इसने अपना आइकॉन के रूप में विजेंद्र को ही माना, और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है हमारी, ये साउथपा बॉक्सर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत शालीन और सभ्य है। जीतती है तब भी ज्यादा उछल कूद नहीं करती, हारती है तब भी ज्यादा गमगीन नहीं होती, अपना जो भावनाएं हैं उनको बहुत बैलेंस रख के चलती है। रिंग के दौरान भी आपने देखा होगा ज्यादा इधर उधर की एक्टिविटी नहीं करती, सीधा ध्यान ओपोनेंट के फेस पे रहता है, अपने टारगेट पे रहता है, और इसने 3 फाइटें जो है विश्व स्तर की मुक्केबाजी में 3 फाइट पहली नॉकआउट मारी है, जो दर्शाता है कि नीतू के मुक्के में बहुत दम है। बिल्कुल जगदीश जी, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्योंकि अब तो खुद जॉब जो का जो लेटर है वो भी दिया गया है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जॉब का लेटर नहीं, ये हरियाणा की जो जॉब की पॉलिसी है ना खिलाड़ियों के लिए, इसमें बहुत खामियां हैं, और हमने समय समय पर विजेंद्र ने भी, मैंने भी सीएम साहब के और सरकार के सामने मुद्दा उठाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार ने हमारी अब तक हमारी आवाज को अनसुना किया है, और मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय इन खिलाड़ियों की बात को सुने और खेल कोटा जो है उसको ठीक तरीके से लागू करें, उसमें कई तरह की कमियां हैं, खामियां हैं,
खिलाड़ियों को नौकरी लेने में अड़चन है। नीतू को हरियाणा सरकार ने जो नौकरी दी है उससे बड़ी नौकरी भारत सरकार का जो हमारा केंद्रीय ये रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे ऑफर लेटर आया है, उसमें ये नौकरी करेगी। हरियाणा सरकार तो खाली खेल विभाग में प्रशिक्षक दे रही है, जरूरी थोड़ा कि हर खिलाड़ी प्रशिक्षक बने। अगर दूसरे किसी विभाग में प्रशासनिक पद पर नियुक्ति देती, इंस्पेक्टर देते, डीएसपी देते, कोई एसडीओ लगाते, कहीं बीडीओ लगाते तो हम लगते। अब जरूरी थोड़ा कि सारे जाके कोच लगे या डिप्टी डायरेक्टर लगे। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट तो 22 है, डिप्टी डायरेक्टर 50 है, उनकी क्या वैलिडिटी है, क्या उनका महत्व है? मैं नहीं मानता कि हरियाणा सरकार की नौकरी की ना, मैं नहीं, पूरे खिलाड़ी खुश नहीं है। हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा। हमने मीडिया के माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमारी बात को अभी तक अनसुना किया गया है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांग पर ध्यान दें और खिलाड़ियों के लिए खुले दिल से नौकरी में जो अड़चने हैं उनको दूर करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महिला विश्व बॉक्सिंग की चैंपियनशिप है स्वीटी बोरा और नीतू, और लगातार आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर तो यहाँ पर देख ही रही है। और अलग से मनोहर लाल ने भी सुबह एक ट्वीट किया था और साथ ही साथ तमाम जो विजेता खिलाड़ी हैं उन्हें बधाई दी गई थी। और अब पहली बार नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी की जो विजेता हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो खुद सीएम मनोहर लाल ने इन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है, एक पुरस्कार दिया है।